हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग टाइप डिक्लेरेशन के बारे में जानेंगे। टाइप डिक्लेरेशन सिंपली मींस स्पेसिफाइंग विच टाइप ऑफ वेरिएबल इज बीइंग सेट इंस्टेड ऑफ अलाउंग पीएचपी टू सेट दिस ऑटोमेटिकली। इफ़ द गिवन वैल्यू इज ऑफ द इनकरेक्ट टाइप देन एन एरर इज जनरेटेड। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक क्या होता था कि वेरिएबल का टाइप पीएचपी ऑटोमेटिकली सेट करता था, यानी कि आपने इंटीजर वैल्यू दिया तो वेरिएबल आपका इंटीजर टाइप का, आपने फ्लॉट वैल्यू दिया तो वेरिएबल आपका फ्लॉट टाइप का, स्ट्रिंग दिया तो स्ट्रिंग टाइप का। लेकिन पीएचपी को ऑटोमेटिकली ये परमिशन देने के बजाय आप खुद उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि विच टाइप का ये वेरिएबल होना चाहिए। अगर उसी टाइप का वेरिएबल अगर वैल्यू उसको नहीं मिलता है तो एरर जनरेट होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊँगा, ये और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा हुआ है टाइप डिक्लेरेशन वेयर ऑल्सो नॉन एज टाइप हिंट्स इन PHP 5, यानी कि PHP 5 में इसी सेम चीज़ को टाइप हिंट्स या फिर टाइप हिंटिंग कहा जाता था। इसमें हम लोग दो चीज़ें बेसिकली पढ़ेंगे, एक है स्केलर टाइप डिक्लेरेशन और दूसरा है रिटर्न टाइप डिक्लेरेशन। एक एग्जाम्पल देखते हैं और इस टाइप डिक्लेरेशन का मीनिंग समझते हैं। ये हमारा फंक्शन है, हम लोग जानते हैं हम लोग फंक्शन इस तरीके से बनाते हैं। फंक्शन कीवर्ड लिखना है, फंक्शन का नाम लिखा मैंने, देन यहाँ मैंने पैरामीटर लिखा हुआ है ए बी, या मैंने ऐड कर दिया जो कि रिटर्न हो जाएगा इस फंक्शन से, जहाँ पर इसको कॉल किया जाएगा। एको कर दिया है मैंने, इस फंक्शन को कॉल किया है, और मैंने यहाँ पास किया 2 और 3। जब आप यहाँ से 2 पास करते हैं तो ये यहाँ ऑटोमेटिकली PHP डिफाइन कर देता है कि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। अगर यहाँ से आप फ्लॉट पास करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली PHP डिसाइड करता है कि ये जो है फ्लॉट टाइप का। स्ट्रिंग पास करेंगे तो ये PHP ऑटोमेटिकली कर देगा कि ये स्ट्रिंग टाइप का है। अगर मैं अभी इसको अगर रन करता हूँ, सेव किया मैंने इसको, अगर हम लोग रन करते हैं तो आपको यहाँ आउटपुट मिल जाएगा जो कि है 5। ये बिल्कुल सही है, ये PHP ऑटोमेटिकली करता है। अभी टाइप डिक्लेरेशन आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप यहाँ स्पेसिफाई कीजिए कि किस टाइप का आपको डेटा चाहिए, जहाँ से जहाँ ये कॉल हो रहा है वहाँ से किस टाइप का डेटा यहाँ पास होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि इंटीजर डेटा टाइप ये है, तो इंट मतलब इंटीजर ही यहाँ से पास होना चाहिए, किसी और टाइप का डेटा पास नहीं होना चाहिए। तो अभी ये सेव करें और इसको अगर हम लोग रन करें तो ये आपको सही आउटपुट देगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने टाइप डिक्लेरेशन क्या फैसिलिटी देता है कि यहाँ आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किस टाइप का ये डेटा एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ से इसी टाइप का डेटा पास करना पड़ेगा आपको यहाँ, तभी ये फंक्शन आपका चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। अच्छा, एक और एक्सपेरिमेंट मैं यहाँ करना चाहूँगा। अगर यहाँ हम लोग फ्लॉट देते हैं, मान लीजिए कि 2.3 दिया मैंने और मैंने 4.2 दिया, इसको सेव किया मैंने। सेव करने के बाद मैं यहाँ अगर देखिए, यहाँ हम लोगों ने इंट लिखा हुआ है, यहाँ भी इंट लिखा हुआ है, पास कर रहे हैं कि हम लोग फ्लॉट पास कर रहे हैं, तो हमारे थ्योरी के हिसाब से इसमें एरर आना चाहिए। लेकिन देखते हैं कि क्या आता है, लेकिन हमारे थ्योरी के हिसाब से यहाँ एरर नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा है 6। ठीक है, 6 आ रहा है, लेकिन जो कि सही आंसर नहीं है। आंसर होना चाहिए था 6.5 होना चाहिए था, लेकिन ये आ रहा है कितना हमारा 6। वहीं अगर हम लोग इसको हटा दें यहाँ से, मतलब हम लोग स्पेसिफाई ना करें कि ये किस टाइप का हो, इसको अब सेव करें और अब इसको अगर रिफ्रेश करें तो ये आपको बिल्कुल सही आंसर देगा। सो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरीके से रिटर्न टाइप को भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, कि रिटर्न भी रिटर्न टाइप में हम लोग पढ़ेंगे कि रिटर्न जो वैल्यू हमें मिल रहा है वो हमारा फ्लॉट ही होना चाहिए, इंटीजर ही होना चाहिए, उसको कैसे स्पेसिफाई करेंगे हम लोग रिटर्न टाइप डिक्लेरेशन में देखेंगे। यहाँ फिलहाल हम लोगों ने देखा, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ इस वीडियो को, कि इंट यहाँ आप टाइप स्पेसिफाई कर सकते हैं। टाइप डिक्लेरेशन कहता है PHP को परमिशन देने के बजाय कि वो डिसाइड करे कि यहाँ किस टाइप का ये वेरिएबल होगा, उसके बजाय आप खुद यहाँ टाइप डिक्लेयर करते हैं कि ये किस टाइप का होना चाहिए। ये होता है टाइप डिक्लेरेशन। अब इसमें आपको एरर नहीं मिला, आप कहेंगे एरर नहीं मिला जबकि थ्योरी में लिखा हुआ कि एरर मिलेगा। तो एरर मिलेगा, उसके लिए भी एक तरीका है कि किस तरीके से स्ट्रिक्टली आप इसको कह सकते हैं कि नहीं इंटीजर मतलब इंटीजर। अभी स्ट्रिक्टली आपने कहा नहीं है कि इंटीजर मतलब इंटीजर, तो इसी ने कोशिश किया है कि इसको कन्वर्ट करके मैं आपको आंसर दे सकूं। ठीक है, PHP क्या करता है, कुछ हद तक अपना सोर्स लगाता है, कोशिश करता है कि किसी ने किसी तरीके से एरर के बजाय मैं आपको कुछ आउटपुट दे पाऊं, तो ये होता है। लेकिन
आपके पास भी पावर है कि आप पीएचपी को कहें कि नहीं आप कुछ मत कीजिए, जो मैंने कहा है यानी कि मैंने इंटीजर कहा है तो आपको इंटीजर ही लेना है, उसके बजाय आपको फ्लॉट वगैरह कुछ भी नहीं लेना है और आपको अपना दिमाग नहीं चलाना है, ठीक है। तो उस तरह की चीज़ें भी हम लोग देखेंगे किस तरीके से इसको स्ट्रिक्ट बनाते हैं, ये आगे हम लोग वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, सो हम लोगों ने यहाँ टाइप स्पेसिफाई कर दिया कि इंट इंट, तो और क्या क्या हम लोग यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं? इंट सिर्फ इंट ही कर सकते हैं या फिर इंट के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिनको आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं कि और क्या क्या हमें पीएचपी में मिलता है जिसको हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। वैलिड टाइप क्या क्या है, यानी कि इंट की जगह हम लोग और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पूरा लिस्ट है जिसका जिसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्लास नेम या फिर इंटरफेस नेम भी आप लिख सकते हैं जो कि पहले से मौजूद हैं जब इसका नाम टाइप हिंट था। पीएचपी 5 में ये लॉन्च किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। सेल्फ पीएचपी 5 में था, एरे पीएचपी 5.1 में आया था, कॉलेबल 5.4 में, और पीएचपी 7.0 में इंट फ्लॉट स्ट्रिंग और बुल आया, देन पीएचपी 7.1 में इटरेबल आया। ओके, सो ये सब न्यू हैं, बाकी सारी चीज़ें पहले से थी जिस जब इसका नाम टाइप हिंट था, लेकिन अब पीएचपी 7 में इसका नाम चेंज करके टाइप डिक्लेरेशन कर दिया गया है और ये सारी चीज़ें नई इंक्लूड की गई हैं। क्यों किया गया है ऐसा? क्योंकि पीएचपी को लोग वीक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, मतलब आपका कमांड नहीं होता है आपके कोड में, ये किस तरह का डेटा एक्सेप्ट करे किस तरह का ना एक्सेप्ट करे आप स्पेसिफाई नहीं कर पाते थे अभी तक, लेकिन अब आपके पास ये सुविधा मिल जाती है आपको टाइप डिक्लेरेशन के माध्यम से कि आप यहाँ अपने फंक्शन में लिख सकते हैं कि किस तरीके का डेटा ये फंक्शन आपका एक्सेप्ट करें। ओके, बस यही है टाइप डिक्लेरेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा पूरा थ्योरी जो लिखा हुआ टेबल में। ओके, सो बस, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्केलर टाइप डिक्लेरेशन क्या होता है और स्केलर टाइप के कौन कौन से मोड होते हैं वो भी देखेंगे, देन हम लोग उसके बाद हम लोग रिटर्न टाइप डिक्लेरेशन भी देखेंगे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।